महिपुर क्षेत्र में पानी न गिरने से किसानों की सोयाबीन सूख रही है, जिसकी वजह से किसान की हालत खराब हो रही है। किसानों के लिए सिर्फ खेती ही एक आय का साधन है और यह भी आधे से अधिक खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को अपने घर गृहस्थी चलाने में बड़ी समस्या आएगी। इस समय किसानों की कोई भी नहीं सुन रहा है, ना तो ऊपर वाला और नहीं वह नेता जो वोट बैंक के लिए कहते हैं कि किसान हमारे भगवान है। जरा वह ईमानदार नेता अपने भगवान के खेत में जाकर तो देखें कि वास्तविक हमारे किसानों की हालत क्या हो रही है। ऐसे ही घबराए हुए किसानों ने ग्राम सेमलिया में भगवान शिव को जल समाधि लगा दी और बाबा से विनती कर रहे हैं कि अब तो पानी गिरा दो, वरना हमारी फसल सूख ही जाएगी। आसमान में जैसे ही काले बादल दिखते हैं और किसानों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, परंतु यही काले बादल पता नहीं क्यों लुका छुपी कर रहे हैं। चुनावी समय नजदीक होने की वजह से हर एक कर्मचारी तो अपनी हड़ताल कर रहे हैं, परंतु सरकार किसानों की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। भला किसान किसके आगे अब हड़ताल करे। सब नेता अब लगे हैं सब टिकट के चक्कर में और फिर लगेंगे वोट के चक्कर में, और किसान राम और राज दोनों के बीच में पिसा रहा है। अब देखना यह है कि कौन नेता किसान की हमदर्दी जताने के लिए खेत में खड़ा होगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन सी सरकार करेगी। डॉक्टर रघुवीर सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट।